बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की टॉप 10 न्यूज, वो भी फटाफट अंदाज में। सलमान खान ने अपने फैंस के लिए एक फिटनेस वीडियो जारी किया है जो कि वायरल हो रहा है, जिसमें उनके बॉडीगार्ड इक्विपमेंट के ऊपर बैठे हुए हैं और सलमान उस इक्विपमेंट को अपने पैरों से ऊपर की ओर पुश कर रहे हैं। सलमान का वर्कआउट वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अदा शर्मा ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें उन्होंने अपने बालों को बैगनी, गुलाबी और नारंगी तीनों रंग में कलर करवाया है। अदा इस वक्त वेब सीरीज द हॉलीडे की शूटिंग के लिए मॉरिशस में है और अपने नए बोल्ड लुक को दिखाते हुए एक तस्वीर शेयर की है। अदा का ये लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है। रणवीर सिंह इंडिया पाकिस्तान मैच के दौरान स्टेडियम में मौजूद थे और वहां से अपने फनी वीडियो अब तक शेयर कर रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तान की हार के बाद एक फैन रणवीर सिंह के गले लगकर रोने लगा। इस पर रणवीर उनसे कहते हैं कि दिल छोटा मत करो, टीम ने अच्छा खेला। आतिफ ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा, भारतीय फैंस अच्छे होते हैं। भारतीय टीम की विराट जीत के बाद उर्वशी हाल ही में लंदन पहुंची, जहां उन्होंने विराट कोहली की स्टैचू के साथ फोटो शूट करवाया, जिसमें वो विराट की स्टैचू के साथ क्रेजी होती नजर आ रही हैं। उर्वशी ने जैसे ये तस्वीर शेयर की, वो ट्रोलिंग का शिकार हो गई। ट्रोलर्स ने विराट कोहली की पत्नी और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को ये तस्वीर टैग करते हुए संभल जाने की सलाह दे डाली। नेहा धुपिया के शो में परिणीति चोपड़ा ने खुलासा किया कि उन्हें 2015 में फिल्म पिकू ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने ये फिल्म करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो बिजी थी और रोल को लेकर कंफ्यूज भी थी, जिसके बाद उन्हें बहुत अफसोस हुआ। बता दें कि दीपिका को पिकू के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ट्विंकल खन्ना सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। हाल ही में उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो अक्षय कुमार को मुंह चिढ़ाती नजर आ रही हैं। उन्होंने लिखा है कि मेरा ग्लास हमेशा हाफ भरा रहता है, लेकिन जब ये हंक मेरे आसपास रहता है तो लगता है पूरा भरा हुआ है। उनकी इस तस्वीर पर ट्रोलर्स तीखे और फनी कमेंट्स करते नजर आ रहे हैं। पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ और कृति सेनन की फिल्म अर्जुन पटियाला के नए पोस्टर रिलीज किए गए हैं। पोस्टर्स में कृति सेनन माइक लिए नजर आ रही है, उन्होंने पीले रंग का सीट पहना है। वहीं दिलजीत पुलिस वाले के रोल में नजर आ रहे हैं। ये छोटे शहर की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। ये फिल्म जुलाई में रिलीज होगी। जीनत अमान फिल्मी पर्दे से दूर है, लेकिन खबरों की माने तो जीनत सालों बाद अर्जुन कपूर की फिल्म पानीपत से एक बार फिर कमबैक कर सकती हैं। जीनत फिल्म में बहुत ही अहम रोल में नजर आएंगी, हालांकि उनका कैमियो रोल होगा। उनके लुक का अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन वो जल्द ही पानीपत की शूटिंग करेंगी। करण जौहर की मल्टी स्टारर फिल्म कलंक बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है। अब वरुण धवन ने एक बार फिर अपने इंटरव्यू में ये कहकर सनसनी मचा दी है कि कलंक चलने लायक ही नहीं थी, मैं इसकी असफलता से निराश हूँ, जनता ने इस फिल्म को पसंद नहीं किया और ये चलने लायक थी ही नहीं। टीवी सीरियल कसौटी जिंदगी की 2 में मिस्टर बजाज की एंट्री हो चुकी है, जिसके रोल में करण सिंह ग्रोवर हैं। सोशल मीडिया पर करण के मिस्टर बजाज वाले लुक को खूब पसंद किया जा रहा है। उनके लुक और किरदार को लेकर लगातार मीम शेयर किए जा रहे हैं, जिसके आगे बॉलीवुड स्टार्स भी फीके पड़ गए हैं।